धुएं में उड़ाता चला गया। नमस्कार, आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में एक ऐसे अभिनेता को याद करने जा रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारी का एक अलग स्टाइल लेकर आए। नाम है देवानंद। जी हाँ, तिरछी निगाहें, नशीली आवाज, चलने का एक खास अंदाज, यही तो वो अदाएं थीं जिसकी वजह से देवानंद एक महान रोमानी अभिनेता के रूप में लोगों के दिलों पर छा गए। बतौर हीरो उन्होंने हिंदी सिनेमा में किसी भी अभिनेता के मुकाबले सबसे लंबी पारी खेली। सिर हिलाते हुए, मचलते, झूमते, मस्ताना चाल लिए वो एक के बाद एक यादगार फिल्में देते चले गए। तो इस महान और सदाबहार अभिनेता की जन्म शताब्दी पर उनके चाहने वालों के लिए हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। देवानंद स्वाभाविक तौर पर एक जिंदा दिल इंसान थे। वो जिंदगी के हर पल को बड़े ही उत्साह से जीते थे। उनका यही स्वभाव उनके अभिनय में भी नजर आता था। उन्होंने पर्दे पर अपने ही गाए एक गीत, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, को जिंदगी का फलसफा माना और उसी पर अमल करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। जहां दुनिया एक उम्र के बाद खुद को थका हुआ महसूस करती है, तो वहीं फिल्मों के लिए उनका जुनून देखने लायक था। उन्होंने बर्बादियों का कभी शोक नहीं मनाया। कुछ बुरा भी हुआ तो वो उसका जश्न मनाते हुए आगे बढ़ते गए। तो आइए उनके इसी जिंदगी के सफर पर नजर डालते हैं। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, आप हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। जहाँ कई कलाकार अपने सिनेमाई करियर में एक वक्त पर शिखर पर पहुँचने में कामयाब रहे, तो वहीं देवानंद ऐसे अभिनेता रहे जिनका स्टारडम पूरी जिंदगी रहा। अद्भुत, आकर्षक, सिल्वर स्क्रीन स्टार देवानंद एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक, फिल्म निर्माता, लेखक और भारतीय सिनेमा में रोमांस के किंग कहलाए। सदाबहार के खिताब से जाने गए देवानंद हरदम जीवन के प्रति एक अलग ही उत्साह रखते थे। उन्होंने अपने अंतिम दिनों तक लोगों के दिलों पर राज किया। 6 दशक से अधिक के अपने लंबे करियर में वो भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे सफल अभिनेता के रूप में जाने गए। कई अभिनेताओं को अभिनय करना पसंद है, लेकिन फिल्मों के प्रति देव साहब का जुनून कुछ ऐसा था जिसे आप आसानी से नहीं समझ सकते। शायद इसीलिए वे अपने अधिकांश साथियों के फिल्मों से दूरी के बाद भी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहे। अपने आखिरी दिनों तक देव साहब फिल्मों की स्क्रिप्टिंग, निर्देशन और निर्माण में व्यस्त थे। देव साहब ने कभी पैसे कमाने के लिए फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने फिल्में बनाई क्योंकि उन्हें फिल्में पसंद थी। देवानंद की फिल्म को हिट या फ्लॉप के पैमाने पर नहीं मापा जा सकता, वो अपने आप में एक संस्था थे। 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे देवानंद का पूरा नाम धर्मदेव पिशोरी मल आनंद था, लेकिन उनकी माँ उन्हें देव कहकर बुलाती थी। देवानंद को शुरुआत से ही फिल्में देखना और फिल्मी पत्रिका पढ़ने का शौक था। देव साहब को अपने बीए की डिग्री पूरी करने के बाद अपने अभिनय के सपने को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अपने बड़े भाई के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में जुड़ने से पहले उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में एक क्लर्क के रूप में काम किया, जहां उनका काम आर्मी अधिकारियों द्वारा भेजे जाने वाले या उन्हें मिलने वाले पत्रों को सेंसर करना था। वो कहते हैं कि उन पत्रों ने देव साहब को प्रेरणा और शिक्षा देने का काम किया। फिल्म अछूत कन्या और किस्मत में अशोक कुमार के अभिनय को देखने के बाद देव साहब में भी अभिनय करने की इच्छा जागी। क्लर्क की नौकरी को तिलांजलि देने के बाद फिल्मों में काम करने का उनका संघर्ष शुरू हुआ।
इसी बीच उन्हें पता चला कि प्रभात स्टूडियो अपनी अगली फिल्म के लिए एक सुंदर और नौजवान लड़के की तलाश कर रहा है। बस फिर क्या, वो सुबह ही प्रभात स्टूडियो पहुंच गए, जहां निर्माता बाबूराव पई की नज़र देवानंद पर पड़ गई। बाबूराव पई ने देवानंद में कुछ ऐसा देखा जिससे वो प्रभावित हुए और जल्द ही उन्होंने देव साहब को अपनी फिल्म हम एक हैं में मुख्य भूमिका दी। फिल्म रिलीज हुई और देवानंद के डायलॉग बोलने के अंदाज ने सभी को प्रभावित किया। ये भी कोई चोट है? आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। लेकिन देवानंद की पहली सफल फिल्म 1948 में बनी जिद्दी थी। इस फिल्म ने ही देवानंद को अभिनेता के रूप में स्थापित किया। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, मैंने उसका खून किया है ना, वो मुझसे बदला ले रही है। तुम पढ़े लिखे हो, कभी इतने मेहनत हो, ये भाव नहीं। वो गरीब के लिए मेरे सामने से दूर होती है और फिर आ जाती है। मेरा दिल तोड़ कर जाने वाले, मेरा दिल तोड़ कर जाने वाले, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है। देवानंद को जिद्दी फिल्म की सफलता के बाद उसी साल फिल्म विद्या में प्रसिद्ध अभिनेत्री सुरैया के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। सुरैया उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री और गायिका थी। देवानंद को सुरैया से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, जो उनके साथ किए गए फिल्मों में और परवान चढ़ता गया। देव साहब ने सुरैया के साथ जो 7 फिल्में की, उनमें से सभी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही। विद्या, जीत, शायर, अफसर, नीली, 2 सितारे और सनम रही। मुझे तो माफ करना। भले ही उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद किया गया और उनका ऑफ स्क्रीन रोमांस हफ्तों तक अखबारों की सुर्खियां बना रहता था, लेकिन इसके बाद भी वो एक नहीं हो सके। हालांकि सालों बाद भी देवानंद अपने कई इंटरव्यूज में अक्सर सुरैया के बारे में बड़े प्यार से बात किया करते थे। 1950 के दशक की उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में बाजी, जाल, हाउस नंबर 44, पॉकेट मार, फंटूश, पेइंग गेस्ट, सोलवा साल, काला बाजार, काला पानी शामिल है। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान। 60 के दशक में देव साहब ने मंजिल, तेरे घर के सामने, किनारे किनारे, असली नकली, जब प्यार किसी से होता है, तीन देवियां, हम दोनों, गाइड, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम जैसी सुपरहिट फिल्मों से रोमांटिक छवि हासिल की। तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आहा मानो कहा, अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़। देवानंद की दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा संदेह था कि देव साहब को काला कोट पहनने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि वो काले कोट में इतने खूबसूरत दिखते थे कि उनकी महिला प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए बिल्डिंग्स पर चढ़ जाया करती थीं। देव साहब को दिए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों, प्रशंसाओं और सम्मानों की सूची काफी लंबी है। 1965 में उन्हें गाइड के लिए हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2001 में उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2002 में सिनेमाई उत्कृष्टता के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से उन्हें नवाजा गया। सिनेमा के 100 साल के अवसर पर उनके चेहरे का डाक टिकट
भारतीय डाक द्वारा जारी किया गया। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों से तम सर आंखों पर मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है तेरी खुशी और सर आंखों पर। देवानंद के लिए अभिनय करना, फिल्में बनाना एक जुनून की तरह था। वहीं जब उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस नवकेतन की शुरुआत की तो उसके बाद से ही फिल्म निर्माण से जुड़ी विभिन्न क्षेत्रों की नई प्रतिभाओं को वो सामने लाने और आगे बढ़ाने का उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया वो आखिरी दम तक जारी रहा। नवकेतन फिल्म्स ने जिन प्रतिभाओं को सामने लाया उनमें गुरुदत्त सबसे खास रहे, जिन्होंने नवकेतन के बैनर तले फिल्मबाजी का निर्देशन किया। देवानंद नवकेतन के माध्यम से हमेशा नए नए कलाकारों और फिल्मकारों को अवसर देते रहते थे। वहीं नवकेतन के बैनर तले कई यादगार फिल्मों का निर्माण हुआ जिसमें उनके भाइयों की बड़ी भूमिका रही और खासकर देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद उर्फ गोल्डी को फिल्म निर्देशन में लाने का श्रेय भी देवानंद को ही जाता है, क्योंकि जिस वक्त विजय उर्फ गोल्डी ने अपनी पहली फिल्म बतौर निर्देशक बनाई उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो महज 22 साल की थी। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। 1949 में देवानंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म्स नामक प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। संस्कृत में नवकेतन का अर्थ है नयापन। चेतन आनंद और देवानंद की रचनात्मक प्रतिभा और इनपुट इस बैनर तले खूब फला फूला। टैक्सी ड्राइवर और फंटूश जैसी फिल्मों में दोनों की सफल साझेदारी के बाद कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी, जिसके बाद इन दोनों ने अपनी जोड़ी को ब्रेक दिया। दरअसल चेतन आनंद बौद्धिक फिल्में बनाने के पक्षधार थे, जबकि देवानंद चाहते थे कि नवकेतन ऐसी फिल्में बनाए जिससे कुछ आर्थिक लाभ भी हो। तो तुम बहुत अमीर हो गए, बंगला होगा, नौकर होंगे। ये कैसे सोच लिया तुमने? मोटरों वाले अमीर होते हैं ना। अरे ये तो टैक्सी है। ऐ मेरी टोपी पलट गया ना अपने फंतूस को सता, ऐ मेरी दिल पर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। यही वजह रही कि आगे जाकर नवकेतन फिल्म्स में चेतन आनंद का स्थान उनके छोटे भाई विजय आनंद ने लिया, जिन्हें प्यार से गोल्डी कहा जाता था। हालांकि उस वक्त विजय आनंद उर्फ गोल्डी कॉलेज में पढ़ा करते थे, लेकिन वो कॉलेज की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और नए विचारों से लबरेज थे। इन दोनों की जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार क्लासिकल फिल्में दी। गोल्डी के निर्देशन में बनी फिल्मों ने देवानंद के स्टारडम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि दोनों ने एक के बाद एक 10 ऐसी फिल्में बनाई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। नवकेतन फिल्म्स में शामिल हुए विजय आनंद उर्फ गोल्डी फिल्म निर्देशन के साथ साथ कॉलेज में पढ़ाई भी किया करते थे, लेकिन एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो फुल टाइम निर्देशक बन गए। उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल की थी। गोल्डी ने 1957 में 9-2-11 फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। ये कहानी उन्होंने देवानंद और कल्पना कार्तिक को सुनाई। दोनों को उनकी ये कहानी पसंद आई, लेकिन गोल्डी ने ये स्क्रिप्ट इसी शर्त पर दी कि इसका निर्देशन वो खुद करेंगे, जिस पर देवानंद राजी हो गए। पहला बादल किसी का आंचल आंचल में क्या जी। विजय ने इस फिल्म में रोमांस, कॉमेडी और सस्पेंस तीनों को ही अच्छी तरह संभाला। साथ ही फिल्म के गीतों के पिक्चराइजेशन में अद्भुत कमाल दिखाया। फिल्म कामयाब रही। ये फिल्म कल्पना कार्तिक की आखिरी फिल्म भी थी, क्योंकि देवानंद से शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। तेरे दम की बहार है, बस तेरा इंतजार है। उनकी अगली फिल्म काला बाजार का निर्देशन एक बार फिर से विजय आनंद ने किया। उन्होंने फिल्म की कहानी और पटकथा का भी भार संभाला था। फिल्म सिनेमा घरों के बाहर टिकटों के कालाबाजारी में लगे लोगों के जीवन को दर्शाती है। इस फिल्म में तीनों भाइयों ने भूमिका निभाई थी। फिल्म में दो नायिकाएं
वहीदा रहमान और नंदा थी। इस फिल्म के लिए शैलेंद्र ने पहला गीत लिखा, खोया खोया चांद खुला आसमान, जिसने संगीत प्रेमियों के दिलों में चमक पैदा की। खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ, ये फिल्म कई तरह से यादगार रही। फिल्म के प्रीमियर शो में नरगिस, दिलीप कुमार, सोहराब मोदी, राजकुमार और राजेंद्र कुमार जैसे सितारे सिनेमा घर पहुँचे और हजारों फैंस की भीड़ ने उनका स्वागत किया। देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन की अगली फिल्म हम दोनों थी, जिसका निर्देशन का काम अमरजीत को सौंपा गया, जो नवकेतन के मुख्य प्रचारक थे। क्या हो गया है तुम्हें आज? उमा, आज मैं तुम्हारी तस्वीर अपने दिल में उतार लेना चाहता हूँ। इस फिल्म की पटकथा विजय आनंद ने लिखी थी। देवानंद ने मेजर वर्मा के रूप में दोहरी भूमिका निभाई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्रवाई में लापता हो जाता है और उनके हमशक्ल महेश उनके परिवार तक ये खबर पहुंचाते हैं। ये फिल्म नवकेतन में बनने वाली आखिरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। पहली बात तो यह है कि मैं मेजर वर्मा नहीं, सच कहती हूँ, शक्ल वही है लेकिन आत्मा बदल गई। उनकी अगली फिल्म उन मुट्ठी भर फिल्मों में से एक थी, जिसमें नूतन और देवानंद ने एक साथ अभिनय किया। 1963 में बनी रोमांटिक कॉमेडी तेरे घर के सामने थी। इस फिल्म को एक आधुनिक युवा जोड़े के रूप में दोनों के बीच शानदार केमिस्ट्री के लिए याद किया जाता है, जो अपने प्रतिद्वंदी पिताओं को एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, विजय आनंद की फिल्में अपने गाने के दृश्यों के लिए भी जानी जाने लगी, जिसकी बेहतरीन मिसाल तेरे घर के सामने रही। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। मोहम्मद रफी द्वारा गाया और एसटी बर्मन के संगीत से सजा गीत दिल का भंवर रहा। कुतुब मीनार की भीतरी घुमावदार सीढ़ियों पर फिल्माया गया ये गीत यादगार बन गया। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। देवानंद ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा में अपनी धाक जमाई, बल्कि विदेशों में भी भारतीय फिल्मों को पहचान दिलाई। 60 के दशक के आसपास देवानंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकारों के संपर्क में आए और वहीं उनकी मुलाकात नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यास लेखक पर्ल बक से हुई। उन्होंने देवानंद को आर के नारायण के उपन्यास दी गाइड की पटकथा लिखने को कहा, जिसके बाद ये फिल्म अंग्रेजी में बनी लेकिन कुछ खास नहीं चली। लेकिन जब ये फिल्म विजय आनंद उर्फ गोल्डी के निर्देशन में हिंदी में बनी, तो इस फिल्म ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। देवानंद की सफल फिल्मों की बात होगी तो 1965 की गाइड फिल्म का नाम भी आएगा। इस फिल्म के लिए देवानंद को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी मिला। फिल्म में राजू नामक गाइड का किरदार उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। आर के नारायण के उपन्यास पर बनी इस फिल्म की कहानी में विजय आनंद ने कई बदलाव भी किए थे, जो कामयाब रहे। संगीत के मामले में भी गाइड फिल्म बेमिसाल थी। दिन ढल जाए, आज फिर जीने की तमन्ना है और गाता रहे मेरा दिल जैसे गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। गाइड एकमात्र ऐसी भारतीय फिल्म रही जिसे 2008 में आधिकारिक तौर पर कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था। गाइड ने फिल्म फेयर पुरस्कारों में शीर्ष 4 सम्मान जीते और विजय ने अपना पहला प्रमुख सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। गाइड फिल्म की सफलता की कहानी एक बार फिर से उनकी फिल्म ज्वेल थीफ ने दोहराई। 1967 की थ्रिलर ज्वेल थीफ में देवानंद ने साधारण विनय की भूमिका निभाई थी।
देवानंद इस फिल्म में अपने आदर्श अभिनेता अशोक कुमार को खास रोल देना चाहते थे, इसीलिए अशोक कुमार ने ज्वेल थीफ का किरदार निभाया। ये फिल्म भी विजय देव की जोड़ी में बेहतरीन गीतों के लिए जानी जाती है। खासकर इसका गीत होठों पे ऐसी बात छुपा के चली आई बहुत प्रसिद्ध हुआ। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। देवानंद का फिल्मों के लिए जुनून इस हद तक था कि उन्होंने अभिनय के साथ साथ फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म 1970 की प्रेम पुजारी थी। इस फिल्म में उनकी अभिनेत्री वहीदा रहमान थी। फिल्म का संगीत एसडी बर्मन ने दिया था। हालांकि फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन फिल्म के गीत रंगी लारे, फूलों के रंग से, शोफियों में घोला जाए ने खूब प्रसिद्धि हासिल की। ना बुझे है इस जल से ये जलन, शोफियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। उनके निर्देशन में बनी अगली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा थी। इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर प्रहार किया था। ये फिल्म उस दौर की सिल्वर जुबली फिल्म साबित हुई। देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब वो एक ऐसी अभिनेत्री की तलाश में थे जो फिल्म में उनकी बहन का किरदार निभाए, लेकिन उस वक्त कोई भी एक्ट्रेस देवानंद की बहन का करेक्टर करने के लिए राजी नहीं थी। उन्हीं दिनों देवानंद एक पार्टी में गए जहां मिस एशिया का खिताब जीत चुकी जीनत अमान भी आई हुई थी। बिंदास और आत्मविश्वास से भरपूर जीनत अमान पर जब देवानंद की नज़र पड़ी तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें फिल्म की पेशकश कर दी। जीनत अमान के लिए ये करेक्टर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन पर फिल्माया गया गीत दम मारो दम ने लोकप्रियता के नए रिकॉर्ड बनाए। विजय और देव की जोड़ी 1970 की जॉनी मेरा नाम के साथ फिर से सामने आई। ये कहानी सोहन और मोहन भाइयों की है जो बचपन में अलग हो गए थे। फिल्म में देव ने एक जासूस की भूमिका निभाई, जबकि प्राण ने गुम हो गए भाई मोहन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके साथ हेमा मालिनी थी। ओ, मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई, दूर से आई, मजबूरी थी, फिर भी मैंने वादा तो निभाया। अपने अगले सहयोग में ये जोड़ी तेरे मेरे सपने फिल्म लेकर आई। ये फिल्म चिकित्सा व्यवस्था की दुर्दशा पर बनाई गई थी, जिसमें देवानंद ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में भी एसडी बर्मन के संगीत का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, मैंने कसम ली। सिनेमा में दिए अपने योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए। जब उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला तब वो बहुत खुश थे।
उनका कहना था कि मैं इन अवार्ड्स को अपने दर्शकों का प्यार मानता हूं, जिन्होंने मुझे दिल से पसंद किया, लेकिन हर दिल अजीज इस महान अभिनेता के दिल ने ही उन्हें दगा दी और वो दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपनी यादें, अपनी बातें और अपने काम हमें तोहफे में दे गए। देवानंद साहब की यादों को संजोए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, नमस्कार। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।